Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे YouTube चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं हम स्पेनिश कहाँ से सीखें, यूनिवर्सिटी से कोर्स करें, ग्रेजुएशन के लिए करें या डिप्लोमा करें, या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, या फिर सीधा एम्बेसी चले जाएं, इंस्टीट्यूट सर्वांतेस। तो इंस्टीट्यूट सर्वांतेस के बारे में बहुत ही कम जानकारी, मेरे हिसाब से तो शायद यूट्यूब पे कोई जानकारी अवेलेबल ही नहीं है, वो भी हिंदी माध्यम से। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे कोर्स ज्वाइन करें, क्या फीस है, क्या ड्यूरेशन है, सब कुछ, और लोकेशन कहाँ है, एक एक चीज, पॉजिटिव निगेटिव, सब पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं ज्योति दिल्ली से, जो कि इंस्टीट्यूट सर्वांतेस की इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं। तो ज्योति, बिनवेनिदा, कोमो एस्टास? ग्रेसियस जो तमिल मुई बियन। तो थैंक यू ज्योति, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकारा और हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग मैं आपसे आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आई होप आप रेडी होंगी। तो सभी लोगों को इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, और खासकर वो लोग जरूर देखें जो बोलते हैं कि स्पेनिश सीखने की मेरी फीस जो है बहुत महंगी है, तो जरा वो भी सुन लें, वो भी देख लें हैं, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो मेरे लिए ना सही, ज्योति के लिए जिन्होंने इतना कीमती समय दिया, उनके लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज्योति, सबसे पहले बिल्कुल सोब्रेती, आप अपने बारे में बताएं, हिंदी में बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जाने, और चाहे तो थोड़ा सा स्पेनिश बोलिए, फिर हम लोग हिंदी में बात करेंगे। ¿Cómo es mi español? Muy bueno, perfecto. 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 Hola amigos y amigas, bienvenidos a Our Language School. Espero que estén bien. Yo estoy muy bien, gracias. Yo soy Jyoti Gautam y vivo en Haryana, India. Hoy les traigo algunos datos curiosos sobre la India. Estos son unos datos que probablemente ya saben. ¿Están preparados? ¡Vamos! En India tenemos una de las siete maravillas del mundo. जी सर, मैंने स्पेनिश ऐसे ही स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता कैसे मुझे स्पेनिश में इंटरेस्ट आ गया, बट मेरे फ्रेंड्स बन गए एक दो लैटिन अमेरिकन, फिर मैंने उसे कंटिन्यू रखा, फिर मैंने बीच में 2021 में मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद मेरा माइंड उतना खास इसमें था नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो अच्छा मैंने इस साल भी बहुत एक हादसा हो गया बहुत बड़ा, अच्छा मेरे एक जी भैया हैं मौसी के बेटे, जी उनकी भी जी डेथ हो गई थी जब मैं गाँव, तो फिर मैंने सोचा यार ये तो होता ही रहेगा, बहुत मुश्किल था, बट फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से। और मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी बीच बीच में, बट इतना अच्छे से नहीं पढ़ती थी, तो अच्छा अच्छा तो फिर भी ठीक है अभी तो। बेसिक मोटिवेशन आपका स्पेनिश मैं सीखने बीवन में का पढ़ रही थी। फ्रेंड्स थे सर, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत है, मतलब कुछ भी अगर बाय चांस कभी स्टेटस देख के रिप्लाई करते, फिर मैं यार मैंने इतनी मेहनत करके छोड़ क्यों दिया, अभी भी उनसे बात हो जाती है तो सोचती हूँ कि क्यों छोड़ दिया, फिर मैं स्टार्ट कर दिया फिर से, अच्छा और मेरी तो ठीक ठाक बेसिकली स्पेनिश है उस हिसाब से। अच्छा तो बेसिकली आप स्पेनिश का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सीखने का, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, इसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं स्पेनिश में? पहले तो मैं सिर्फ अच्छी लगती थी इसलिए सीख रही थी, बट अब मुझे लग रहा है यार कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने सोचा कुछ तो जॉब करनी है, बट अगर टीचिंग में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो एम्बेसी या कुछ भी चलेगा। तो आपको जो पीछे मैप दिख रहा है, मुझे लग रहा है एसएससी की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, खुद बैंक की नहीं, या? वो तो मेरे भाई ने लगाए थे, अच्छा अच्छा मुझे लगा मैं तो इसमें आपने, सिर्फ स्पेनिश का पढ़ती हूँ, अपना तो आप कमाने मतलब का इससे फिर पहले लग सरकारी पढ़ती हूँ। नौकरी की तैयारी कर रही थी? नहीं, वो जब मैंने कॉलेज खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि स्पेनिश का वो इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा था, और सब वो सब बातें तो गाँव गई थी तो सब लोग सजेस्ट करते टीचिंग का कर लो, तो मैंने सोचा कि टीचिंग का देखूँ, बट जब मैंने सीयूटी का फॉर्म वो भरते हैं ना एडमिशन के लिए, मेरे से वही नहीं निकला, फिर मैंने कहा यार जब ये नहीं निकला तो फिर और क्या होगा, फिर हाँ। मैंने नहीं किया उसे। तो फिर मतलब आपने डिसाइड किया कि पैसे ही कमाना मेन ऑब्जेक्टिव है, चाहे जहाँ से कमाए जाएं, और अगर अपने हाँ, को और देखा जाता स्पेनिश है तो कभी पसंद भी है तो। पसंद भी है, तो बिल्कुल अपने दिल की आवाज़ जो है सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग बाहरी दबाव में, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, और
हम लोग जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जैसे लोग कहते हैं सरकारी नौकरी, मेन आपको देखना है कि आप काम क्या करने वाले, नौकरी तो जो है ये वो सिंबल या स्टेटस तो है ही है, तो बिल्कुल वो लोग जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर माइकल फेल्प्स बने और या माइकल फेल्प्स जाके अमिताभ बच्चन बने, ठीक है, हर आदमी अपने एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के साथ आया है। तो खैर कम टू द पॉइंट, अब आते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि इंस्टीट्यूटो सर्वांतिस की जर्नी के बारे में, मतलब मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट पूछूंगा, इसमें मैं पहले पेज शेयर कर देता हूँ, है ना, ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि वो लोग चाहे तो उसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या क्या इनके इंस्टीट्यूटो सर्वांतिस में क्या कोर्स होता है। तो सबसे पहले तो इसके जो हर साल एग्जाम होते हैं उनकी डेट यहाँ पे आती है, आप इंटरनेट पे एग्जाम डेट ऑफ दिल्ली 2023 आप सर्च कर सकते हैं। इसके इंस्टीट्यूट दिल्ली, जयपुर, मुंबई और अब तो कोलकाता में भी हो गया है, तो ये तो खैर एग्जाम सेंटर है, लेकिन इसकी एम्बेसी जो कि दिल्ली में है वहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्वांतेस के कोर्स भी होते हैं। तो एग्जाम की फीस ये ऊपर लिखी हुई है, 5,000 A1 के, A2 के 5,500, 6,000, 7,500, 8,000 और 8,500। लेकिन जरा ज्योति मुझे ये जो नीचे है वन कोर्स प्लस डेले, तो इसके बारे में जरा बताइए क्या है। सर, कैन यू जूम इट? हाँ हाँ मैं जूम कर देता हूँ, जी, हाँ ये लीजिए। ये कोर्स मैंने तो नहीं ले रखा, बट इसमें दिल्ली की प्रिपरेशन भी कराते हैं, 17,000 समथिंग जो होती अच्छा, ये दिल्ली की है, तो प्रिपरेशन इसमें मेरी। कोर्स भी कराएंगे और दिल्ली की आपको पूरी प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपको मटेरियल देंगे, आपको क्लास में करवाएंगे। तो बहुत बच्चे होते हैं उनको सब कुछ वैसे चाहिए कि पैसे हम दे देंगे, हमें जल्दी जल्दी बस करवा दो, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो वो जो जैसे सारा कुछ प्रिपेयर होता है, बस आपको पढ़ना होता है, करना होता है, फिर लेवल टेस्ट देना होता है, सारी तो इसको इस कोर्स की प्रिपरेशन ड्यूरेशन पूरे क्या होती कराते है, हैं। मतलब ये आप कह रही हैं कि ये सिर्फ इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेली एग्जाम की प्रिपरेशन कराना, और इसकी जो फीस है दिखा रहा है 18,275, 700, इसमें 20,000। कोर्स का भी है, अच्छा इसमें कोर्स का भी है, कोर्स और प्लस डेली इसमें एग्जाम, है कोर्स और ना, डाले और उसकी हम। जो फीस है ये है हमारी ये इधर वाली, मतलब 17,400 ये, राइट। ओके ओके, मतलब ये लोग डिस्काउंट भी देते हैं अगर आप मतलब वहां पे कोर्स करते हैं तब, ठीक है। अच्छा, और बेसिक जो वहाँ के जो कोर्स हैं मैं वो भी खोल देता हूँ, मतलब पहले तो बता देता हूँ, इसमें लेवल होते हैं स्पेनिश भाषा में, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ फीस लिखी हुई है, इसके बारे में आप प्लीज डिटेल से बताएं। ये फीस तो सेम ही रहेगी, वीकडेज की 15,800 और वीकेंड की 16,800, ठीक मतलब है, 1,000 का अंदर पड़ जाता है। और हाँ जो A1 लेवल है उसमें दो होंगे, मतलब बिगिनर में दो लेवल होते हैं ना, A1 और A2। तो A1 में दो मॉड्यूल हैं, A1.1 और A1.2, और ठीक है, हर इसमें जितने भी इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, हर मॉड्यूल की प्राइस 15,800 है। अच्छा, तो A1 को और इन्होंने दो इसमें पार्ट में तीन बांटा हुआ है, ऑप्शन, हाँ जी, दो मॉड्यूल्स हैं उसके, ठीक है, क्या तीन तीन ऑप्शन क्या। और इसके डेज के भी ऑप्शन है कि आप वीक में 5 डेज करना चाहते हैं, या 4 डेज करना चाहते हैं, या हाँ फिर 3 डेज करना चाहते हैं, और वो अच्छा, थ्री मतलब डेज भी अलग टोटल अलग हैं, चाहे जितने दो टाइम पे ऑप्शन करिए, मिलते हैं। टोटल चाहे जितने घंटे करिए, टोटल फीस आपकी वही 16,500 या जो ऊपर लिखी हुई है, उतने ठीक है, हैं, 800 है ना, हाँ उतनी होगी। और हाँ A1 और को एक इन्होंने, मॉड्यूल को वो 24 क्लासेस में खत्म करते हैं। अच्छा मतलब एवन ये जो 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 भी मॉड्यूल आप लेते हैं उसको 24 सेशंस में ही खत्म करेंगे, क्योंकि वो ट्वेंटी टू फोर पॉइंट फाइव आवर्स का उनका सेशन होता है। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा डाउट है, ये जैसे आपने बताया A1 को जैसे उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, A1.1 और A1.2, तो ये जो 16,800 फीस है, ये क्या ये A1.1 की फीस सिर्फ बता रहे हैं, हाँ जी, मतलब A1 करने में ही लोगों के 32,000 रुपये खर्चा होंगे, करीब 33,000 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर दूसरा जो A1 हो गया, फिर उसके बाद A2 हो गया, A2 को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। A2 को भी 3 मॉड्यूल्स में है, A2.1, A2.2 और A2.3। तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो मतलब उसकी हाँ जी, उसकी भी फीस 16,16,16, मतलब 48,000 करीब हाँ जी, हाँ जी, उसकी, मतलब अगर वीकेंड ज्वाइन करते हैं तो करीब 48,000। तो मैं नोट करते जाऊं कि पहला हो गया जैसे आपका, मान लो 32, 17,000 कर दीजिए, 200 ही तो बच रहे हैं, हाँ, वही सिक्सटीन थाउजेंड 32, एट हंड्रेड है तो हाँ सेवनटीन हाँ सोलह थाउजेंड दो, मैं फिर भी 16 से काउंट कर रहा हूँ, मान लो कोई इंटेंसिव कोर्स में नहीं जा रहा, तो 16,000 के तो 32,000 वो, और ये हो गया आपका 48,000, मतलब हो गया आपका 8, 9, 10, 4, 3, 7, 1, 8, मतलब करीब आपका 80,000 रुपये A1 A2 में खर्चा हो रहा है ना। फिर उसका B1 को कितने पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। B1 को भी 3 में किया है, B1.1, B1.2 और B1.3। आपने अभी B1.1 में इनरोल किया, राइट,
नहीं B1.2 में किया है। B1.2 में एनरोल किया है। तो बेसिकली जैसे जो बच्चा नया आता है चलो ठीक है तो वो तो तुरंत ही ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो बीच में आता है उसके लिए कोई टेस्ट कराते हैं वो लोग? जैसे मान लो आप 20 से गई थी, हाँ जी, मैंने लेवल टेस्ट दिया है, उसके लिए लेवल टेस्ट देना होता है। लेवल टेस्ट की कुछ फीस लेवल होती है? टेस्ट में आपको आपके बारे में, हाँ, वो 1000 होती है जब आप एडमिशन कराते हो तो वो उसमें से कट जाती है। अच्छा, 1000 आपसे फॉर्म भरवाते हैं और वो लेते हैं पैसे लेवल टेस्ट के लिए। मतलब आप ये अपीयर फॉर्म नहीं होते सोलह हैं तो वो हजार रुपये आपकी तो गलती कोर्स की है फीस, लेवल टेस्ट के लिए। 16,000 रुपये तो कोर्स की फीस है, 1,000 रुपये फॉर्म भरवाई है। 1000 वो फॉर्म भरवाई तो वो 16000 नहीं, फिर वो 15000 लेंगे, वो 1000 उसमें बाद में वो डिडक्ट कर देते हैं। अच्छा, वो डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, जैसे हाँ मान लो कोई तो आया और उसने सिर्फ लेवल चेक कर लिया, फिर कहा कि चलो हम अपने आप से कर लेंगे, तो इस वजह से 1,000 वो लेते हैं और बाद एडमिशन में उसको ऐड कर देते हैं। तो बी कराते वन, वक्त कट कर देते हाँ बी वन, और टाइमिंग यहाँ पे लिखिए, आप सभी लोग टाइमिंग देख सकते हैं कब किस ओवर में, अगर मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे करते हैं या फिर वीकेंड कोर्स करते हैं तो उनकी क्या टाइमिंग है आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये आपने बी वन बताया, बी वन को दो पार्ट में, राइट, तीन पार्ट में, तीन हैं। हाँ जी, थ्री थ्री पार्ट्स। पार्ट में, और बी टू को कितने पार्ट में? B2 भी ऐसे थ्री में है। हाँ तीन पार्ट में। और सी वन सी टू का जी, कोई इन्फॉर्मेशन? फोर फोर पार्ट्स में है वो। वो फोर फोर पार्ट में, मतलब टोटल कुल मिला के देखा जाए तो आपके हिसाब से अगर कोई बच्चा एकदम जीरो से शुरू करता है, ठीक है, तो उसको B1 लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? जो मेरी क्लास, मेरे साथ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैंने उनसे पूछा था कि वो लोग कब से कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे उन्होंने लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट किया था। तो मतलब अब अगस्त चल रहा है, सितंबर में उनको 1 ईयर हो जाएगा और सितंबर में हमारा कोर्स ये खत्म हो जाएगा मॉड्यूल। तो B1.2 तक उन्होंने 1 साल में कवर किया है। B1.2 में मतलब 12 महीने करीब लग गए, है ना, 12 महीने तक लग जाएगा। और B1.1 एक थोड़ी, साल अगर बी मान वन लीजिए पॉइंट B1 का डेली एग्जाम तक वो तैयारी करवाते हैं, मतलब B1 में आपने बताया तीन पार्ट में है, तो अगर B1.3 हम्म, तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा कोई बंदा अगर जीरो से शुरू करता है तो? 1 साल 2 महीने 4 महीने तो लग जाएगा। हाँ, मतलब कुल मिला के मैं मान के चलूं कि आप जो बता रही है एक लेवल के, और ये भी मैं बता दूं, एक लेवल के बाद वो 1 महीने का, मतलब जैसे मान लो कि A1 A1 आपने खत्म कर लिया तो उसके बाद गैप देते हैं 1 महीने का, राइट? नहीं, 1 महीने का नहीं देते, जैसे इनकी डेट्स होती है ना फिक्स होती हैं, तो 5-6 दिन का वो चेंज लाने में, मतलब जैसे मान लो आपका सितंबर में एंड हो गया है, सितंबर के हाँ। लास्ट वीक में, फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, तो वो जो लास्ट वीक के जो 4-6 दिन बचेंगे या 2-4 दिन बचेंगे, और नेक्स्ट मंथ के भी 1-2 दिन जो होंगे, तो वो उसे मतलब 1 वीक तो हो ही जाता है, कम से कम 1 वीक अच्छा का अच्छा अंतर तो पड़ ही जाता है, तो कि एक और हर कोर्स चीज, के बीच में पड़ेगा, तो वो 1 मंथ तो हो ही जाएगा कलेक्टिवली सारे मिला और के। जैसे ये जो फीस की बात है तो क्या फीस कोई इंस्टॉलमेंट में देना चाहते, क्या इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है? क्यों, नहीं, इसमें फुल पेमेंट और एडवांस पहले ही होती है पेमेंट, भरोसा इसमें इंस्टॉलमेंट होगा। नहीं? बueno, चलो ये मजाक था, लेकिन चलिए ठीक है। तो ये आपका मतलब कुल मिला के B1 तक पहुंचने में मैं मान के चलूं 14 महीने से लेके करीब 16 महीने तक लग जाएंगे अकॉर्डिंग हाँ जी, हाँ टू यू, जी, है ना? 16 महीने लग सकते हैं, जो सुपर इंटेंसिव कोई ना करे तो फिर 16 महीने लग ही जाएंगे। हाँ, 14 से 16 महीने लग सकते हैं। ठीक है। और मतलब एक और चीज, जो क्या इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस ज्वाइन करने का मतलब होता है गारंटी डेली एग्जामिनेशन पास करना? वो तो कहीं पे भी नहीं मिलती, वो कहीं वो नहीं तो होता अपने है। ऊपर होता है, जितने जितनी पढ़ाई करो, जितनी मेहनत करो, वो तो अपने ऊपर है। हाँ, बट वो बोलिए। टेस्ट वगैरह देते हैं जो, तो आप क्लियर कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, क्लियर कर बिल्कुल। सकते हो कि नहीं। अच्छा, मतलब वो लेवल टेस्ट बीच बीच में कराते रहते हैं, ठीक है। तो जो जो आपने बताई दिया कि कौन सा कितने पार्ट में है, और इस फीस जो होती है उसमें क्या लाइब्रेरी भी इंक्लूड होती है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप लाइब्रेरी में ऐसे इशू करा सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की आराम से देते हैं वो। मेरा अभी अच्छा, अगस्त में, दिसंबर में ओवर होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 मंथ्स है, 5 मंथ्स का आपको लाइब्रेरी का मिलता है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वहाँ की बहुत रिच है, मैं पर्सनली होता हूँ, मैं खुद भी जा चुका हूँ वहाँ पे, और लाइब्रेरी में ना सिर्फ डेली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको मॉडल पेपर मिल जाते हैं, बल्कि आपको और तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पे। जब आप जाएंगे तो बहुत सारी नॉवेल, स्पेन की जानकारी, लैटिन अमेरिका की जानकारी, बाकायदे डिवाइडेड है एक एक चीज के बारे में। वहाँ पे लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, तो सब आप मतलब जो ऑडियो की प्रैक्टिस करना चाहते हो और वहाँ पे CDs मिल जाएंगे आपको। तो खासकर जिनका डेली एग्जाम है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप डेली एग्जाम भरते हैं तो मान लो आपने कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन करी, लेकिन फिर भी अगर आपने डेली एग्जाम भरा है तो आप वहाँ की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। आप वहाँ की लाइब्रेरी एक्सेस कर लिए, हफ्ते मतलब समझ लो कि जो एग्जाम फॉर्म है वो आप 2 महीना पहले भर दो और 2 महीने जाके वहाँ लाइब्रेरी में बैठो। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जाएंगे तो वहीं के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, तो आपको उनसे भी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, तो एक माहौल बन जाएगा, आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सही बता रहा हूँ ज्योति? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, और इसकी लोकेशन क्या है, ये आप कैसे जा सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कैसे क्या है? बिल्कुल पास में ही है, 5 मिनट्स लगते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, राजीव चौक से, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, वहां से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे, हनुमान रोड की तरफ, राइट? हनुमान रोड 48, 48 या 49, 48 है 48 ना? है, और दूसरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन शिवाजी चौक है ना, स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम पीछे की तरफ वो उधर से पड़ता है। तो अब दूसरा चीज की, जैसे मान लो कि लोग यूनिवर्सिटी में जाके डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करें या फिर डेले का एग्जाम दें, कौन सा ज्यादा बेहतर है आपके हिसाब से? ज्यादातर जॉब्स के लिए लोग डेले या फिर इंस्टीट्यूट सर्वांतेज ज्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं, क्यों? जिन्होंने, क्योंकि ये मतलब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है ना, डेले तो पूरे वर्ल्ड में कराती है स्पेन की एम्बेसी, और जिसकी इसकी फीस भी इसलिए हाई है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में होता है और सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, हर कोई एम्बेसी और इंस्टीट्यूट सर्वांतेज वाले भी, अगर आप उन्हें मान लो इनके यहाँ से नहीं भी पढ़े हो फिर भी अगर आपने डेले क्लियर कर रखा है तो वो जॉब जल्दी देंगे, आप बिल्कुल, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ और वहाँ जॉब लेने जा रहे हो तो उसको पहले देंगे जिसने डेले कर रखा होगा। यूनिवर्सिटी का एक ड्रॉबैक मैं अपनी तरफ से बता दूं कि देखो क्या होता है ना कि उसमें सभी का तो नहीं बताता, लेकिन ग्रामर ज्यादातर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि स्पीकिंग और लिसनिंग का कोई पैटर्न या कोई वे उस तरह से अभी तक तो नहीं है 2023 तक, मैं बता दूं, क्योंकि मैंने, जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जब किया था तो वहां पे क्या था कि सिर्फ सिलेबस कवर करा रहे थे, ठीक है, तो बच्चों को बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो सही से बोल पाए या सही से सुनने का ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता, नेटिव स्पीकर होते नहीं है, है ना, और बच्चे वहां पे ज्यादातर बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत बहुत एकदम सीरियस होते हैं, है ना, तो मतलब मेरे हिसाब से तो आप वहां से भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, अगर आपकी रिकॉग्नाइज जैसे JNU हो गई, BHU हो गई, है ना, जामिया हो गया, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छा माहौल भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ के भी बच्चे पास आउट होने के बाद डेली एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, मैंने देखा है कई बच्चों को जो बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पास आउट होने के बाद, क्योंकि जैसे अंग्रेजी का TOEFL होता है वैसे ही स्पेनिश का डेले है ना। फिर उसके अलावा जैसे मान लो आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आपने सुकुंती वो पढ़ा, शेरिस्तार पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, तो क्या आपके लिए वो क्लास में वो टॉपिक रिवीजन करवाया जाएगा या फिर कैसे आप उसको दोबारा से क्लियर कर सकते हैं? उसको उसको आप अपने फ्रेंड से बात करिए, टॉपिक ठीक है, फ्रेंड्स अगर गए हो तो उनसे पूछे, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो सर क्लास के बाद या ब्रेक में अगर आप बहुत अच्छे टीचर हो तो वो बता देंगे, बट वैसे कोई रिपीट नहीं होता किसी बच्चे के लिए दोबारा वो क्लास। अच्छा, रिपीट नहीं होती है, और जैसे मान नहीं लो होती। ये कोर्स हिंदी माध्यम से होता है, इंग्लिश माध्यम से होता है, कैसे, ये स्पेनिश माध्यम से? जो A1 में जाते हैं बच्चे उनके लिए तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलते हैं वो, क्योंकि अभी इतना ज्यादा स्पेनिश नहीं आता, बट A2 से स्टार्ट कर देते हैं वो लोग स्पेनिश में बोलना, वो इंग्लिश भी नहीं सुनते, वो हिंदी भी नहीं सुनते, वो अगर स्पेनिश में ही गलती से पढ़ाते हिंदी हैं बोल और दी क्लास में पूछते तो हैं, कहते मैम हमको नहीं समझ में आया, तब तो वो आपको पूछेंगे, बोलेंगे ना कि स्पेनिश में पूछिए तो वो आप स्पेनिश में पूछें अच्छा, तो मतलब बेटर होगा। अगर कोई बच्चा जिसको जिसकी अंग्रेजी कमजोर है तो क्या वहां पे वो सरवाइव कर पाएगा? हाँ, A1 में जैसे मेहनत कर ली, अगर उसने प्रैक्टिस कर ली जितनी A1 में, फिर तो उसको थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना और बोलना समझना आ नहीं, जाएगा, A1 में भी बट तो आप आगे बता रहे हिंदी थोड़ी बोलते हैं, पढ़ना बहुत, A1 में भी तो इंग्लिश हाँ बोलते हैं हिंदी थोड़ी। इंग्लिश में, हाँ वो तो है थोड़ा, इतनी तो आनी ही पड़ेगी, हाँ, इतना तो आना ही बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल ही नहीं आती होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो बात अलग है, फिर वो तो बहुत ज्यादा हाँ, मुश्किल हो और जाएगा, वहाँ का माहौल बट कैसा होता है? ऐसा माहौल तो नहीं है कि जैसे मान लो कि बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़े लोग, बड़ी फीस, तो वहाँ पे कैसा माहौल होता है, एकदम रौला तो नहीं होता? जैसे मान लो कि वो एक है। नेगेटिव पार्ट ये भी है कि कभी कभार जैसे मान लो कि जैसे मैं अपनी क्लास में इंग्लिश नहीं बोल पाता था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे क्लास के बच्चे, ओह माय गॉड, ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, लाइक ऐसा, तो उस हिसाब का भी ऐसा वहां का माहौल कैसा है, वो चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपके हिसाब से। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्पेनिश मेरी क्लास के बच्चों में ओके, मतलब इतनी बुरी नहीं है, मैंने जम करके आई हूँ, मतलब लेवल टेस्ट देके फिर भी मेरी अच्छी है, तो वो लोग मुझे ऐसे नहीं देखते, वो हमेशा ऐसे देखते हो इसको इतना आता है ये जम करके आई है फिर भी, तो मेरे साथ बिल्कुल, ऐसा नहीं होता है, बट हो सकता है किसी और साथ अगर वहां पे हो ऐसा कुछ तो, हाँ, मतलब कभी कभी पीयर और प्रेशर की तरह से बच्चे थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो महसूस करते हैं ना, सकता तो है। वो चीज है, लेकिन ये तो पर्टिकुलर बच्चे बच्चे हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, समाज में आप बाहर निकलेंगे तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको अपने हाँ वो तो कॉन्फिडेंस है, के साथ, अपने ज्ञान और आपका मेहनत, आपकी नॉलेज, आपका जो आत्मविश्वास है, वही आपके साथ हमेशा काम आएगा। अच्छा, तो क्या ये लोग आपको घर ले जाने के लिए कुछ स्टडी मटेरियल भी देते हैं? ये लोग वैसे जो पढ़ाते हुए में कोई फोटोकॉपी वगैरह कुछ अगर उसमें जैसे क्लास में करवाते हैं कि कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या कुछ भी होता है, अगर वो करवाया है और आप मांगते हैं उनसे या वो खुद भी कहते हैं कि आपको चाहिए, आप कह दो हाँ, तो फिर वो फोटोकॉपी दे देते हैं आपको, और आप फोटो भी खींच सकते हैं और
बस वही देते हैं, और बाकी आप लाइब्रेरी से खुद बुक्स वगैरह इशू करा के अलग से पढ़ना चाहें कुछ तो आप कर तो सकते मतलब हैं। जैसे मान लो सेरेस्तार वो पढ़ा रहे हैं, तो सेरेस्तार आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा जब वो पढ़ा रहे होंगे। नहीं वो पिक्चर देते हैं उसकी भी, अच्छा उसकी देते हैं है ना, तो अगर आप अगर जिस टॉपिक की उन्होंने प्रिपेयर की होगी तो देंगे, वो पीडीएफ होती, अगर पीडीएफ होती है तो गूगल क्लासरूम में देते हैं वैसे, मतलब वो मटेरियल देते हैं, बट आपको खुद भी थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोर्स आपका ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है राइट? हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन भी मेरी क्लास में बच्चे करके आए हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन किया था, फिर अब ऑफलाइन कर कोविड रहे हैं वो टाइम का तब आके। तो ऑनलाइन हो रहा था क्या? अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन होती क्या हैं लेकिन जब अभी भी फीस होती बराबर हैं ही अभी रहती है लोग बच्चे। हाँ जी फीस बराबर है, हाँ तब तो, अगर मान लो जब इतना फीस दे रहे हैं तो अगर कोशिश करें तो वहां चले ही जाए तो बेहतर होगा है ना। चले जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो तो लेकिन सिर्फ कैमरा ऑन किया तो स्टार्ट हुआ, कैमरा ऑफ किया तो खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लाइब्रेरी में रुक गए, किसी से बात कर ली, थोड़ा एक फील अलग आता है क्लास का और उस माहौल का, तो मैं तो लेकिन ये प्रेफर अब करती हूँ ये कि माहौल जाके करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत दूर दराज गांव इलाके में रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं तो वो नहीं ले पाते हैं। दूसरी चीज कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि पढ़ाई कम गॉसिप ज्यादा होने लगे हो सकता है ना। मान लो कि चलो आज हो चले जाता पिक्चर है, देखने चले, आओ चले आओ हाँ चले ये तो होता बनाने है, करते खाने ना, कि आओ चले यहाँ ही है है सभी का, ना, तो ये सब चीजें हमारे क्यों साथ होता भी है? कहते चलो चलते हैं, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, अभी मेरा बहुत सारा बच्चा है पढ़ने का। बिल्कुल, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार का है तो वो बेसिकली फोकस होने आया है, वो यहाँ पे जब उसके पास सारा नॉलेज ज्ञान होगा और अच्छा सब सैलरी नौकरी या फिर खुद का अपना व्यापार जब शुरू कर लेंगे तो ये सब कुछ लाइफ में मिल ही जाएगा है ना। तो बेसिकली आप किसी जिस ऑब्जेक्टिव के साथ गए तो ऑब्जेक्टिव ना भूलें। तो कभी कभी ये मैंने देखा है कि मैं भी जब मैंने तो खैर कहीं स्पेनिश सीखने के लिए कहीं किसी कोचिंग वोचिंग नहीं करी मैं, जैसे मैं ये भी सोचता हूँ कि जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूट जाने के लिए आप 2 घंटा या 1 घंटा आप ट्रैफिक में मेट्रो में जा रहे हो तो उससे बेहतर है कि 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना, 2 घंटे आपने इसमें आपने खर्च किए तो उसी 2 घंटे को रह के अगर घर पे मेहनत करी जाए तो स्पेनिश आप घर पे बैठ के भी सीख सकते हैं ठीक है। तो बेसिकली हर पर्सन की लाइफ में अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि चलो किसी कोर्स के इंस्टीट्यूट के बहाने हम किसी से मुलाकात करें और मीटिंग करें, अच्छी जगहों पर जाएं, अच्छे लोगों से मिले तो वो बिल्कुल जाएं, लेकिन जिनके पास कम समय है और लिमिटेड समय के अंदर उनको बिल्कुल प्रोडक्टिव काम करना है तो वो चाहे ऑफलाइन सीखे चाहे ऑनलाइन सीखे, बेसिकली सीखे डेली एग्जाम पास करें। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव ये ओवरऑल जर्नी ये हुई कि करीब स्पेनिश में आपके पास वहां पे वो कोचिंग कर सकता है जो आप जिसके पास एक लेवल का करने के लिए 16,000-17,000 रुपए हो, समय हो वहां और जाने के लिए, वक्त समय हो वहां जाने के लिए और स्पेनिश सीखने के लिए 1.5 साल का वक्त हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम लोग कराते हैं तो बच्चा ऑनलाइन से करता है और 1 साल के अंदर अंदर अगर वो भी ईमानदारी से शुरू से आखिर तक कर रहा है तो 1 साल के अंदर अंदर वो B1 लेवल तक पहुंच जाता है ना। गारंटी हम भी नहीं लेते ना इंस्टीट्यूट सर्वांत से लेता है, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करेगा तो वो तो अपना सीख ही लेगा। आपके सामने ही आप तो मुझे पता नहीं कब से फॉलो कर रही है, शायद 3-4 साल हो गए आपको फॉलो करते हुए। 2020 से ही फॉलो कर रही हूँ, लॉकडाउन हाँ टाइम से बताइए, मैंने तीन तभी साल हो सीखना गए स्टार्ट किया था। हाँ, तो तब से सीखना शुरू किया और आपने मेरी भी जर्नी देखी कि मैंने कैसे स्पेनिश में कितना खुद भी इंप्रूव किया, अपने कोर्स को भी इंप्रूव किया, अपनी क्लासेस को भी इंप्रूव करी, आपकी आंखों के सामने ही सामने मैंने खुद भी डेली एग्जाम भी पास किए है ना। और यही यही ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को आत्मविश्वास मिले। आप मेरे हर एक लाइव में आती थी, मैंने देखा लगभग आप चाहे स्पेनिश बीच में छोड़ भी दिया हो तब भी आप मेरे लाइव में आ रही थी है ना। मैं देखता था कि ज्योति मेरे लाइव में आ रही थी, मेरी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन को सुन रही है, समझ रही है धीरे धीरे, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी होता है कि घर में माहौल मिलता नहीं है। बेसिकली देखो क्या होता है, नेटिव स्पीकर का होना बहुत जरूरी है स्पेनिश सीखने के दौरान। अगर आपको नेटिव स्पीकर नहीं मिलते हैं तो कभी कभी बड़ा डाउट हो जाता है कि हम कैसे सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, क्या समस्याएं आ सकती हैं। और चूंकि मेरे पास पैसे कम थे, इतना पैसा नहीं था कि मैं दिल्ली जाऊं रहूं किराए पे फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करूं, तो अगर मान लो कोई बच्चा दूसरे शहर से आ रहा है तो उसके लिए बहुत खर्चा हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, क्या डेली एग्जाम देना है तो क्या किसी बच्चे को जरूरी कि डेली इंस्टीट्यूट सर्वांतेस से ही स्पेनिश सीखे या फिर वो कहीं अलग से भी सीख के डेली एग्जाम दे सकते? वो कहीं से भी सीख सकता है, वो ऑब्लिगेशन नहीं है इस चीज की कि आपको कौन से सीखना है, बट आपने पैसे लगा रहे हो तो पहले तो अच्छे से सीख के जाओ फिर डाले दो, ऐसे नहीं कि बस फॉर्म भर दिया और देने चले गए, पहले आपको खुद भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कर भाई, डेली सकते हो। एग्जामिनेशन का 5,000 रुपए का फीस, 6,000-8,000 तक का फीस है, इतना फीस जो पैसा कमाने में टाइम लगता है ठीक है। अमीर लोगों को नहीं बता रहा हूँ लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं तो मैं जब पहली फीस दे रहा था मैंने कहा अगर ये डूब गए तो क्या होगा 8,000-9,000 तो बहुत वो रिस्क था। तो बेसिकली आप स्पेनिश चाहे खुद से, जैसे मैं हूँ तो मैंने किसी इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे, मैंने खुद सीखी और डायरेक्टली एग्जाम देने गए।
ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप किसी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख ले और जाके डेली एग्जामिनेशन का फॉर्म भर ले। साल में 4-5 बार इसका एग्जाम होता है। और फिर उसका तीसरा है कि भाई सीधी सी बात है, जैसा कि ज्योति ने बताया इंस्टीट्यूट सर्वांतेस के बारे में, तो आप वहां जाके अपना फीस दे सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट सर्वांतेस मैं भी रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वर्ल्ड का सबसे अच्छा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, सब जगह है। आप अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं, आना जाना अफोर्ड कर सकते हैं और टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं। बीइंग अ स्पेनिश टीचर मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। और मैं वहाँ खुद भी गया था, मुझे वहाँ का जो लाइब्रेरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छा लगा। जब मैं पेपर देने गया तो बिल्कुल मैं तो एकदम नॉर्मली पर्सन था। जब मैं डेली एग्जाम देने गया तो मैंने देखा तो वहाँ के बच्चे, ओ व्हाट्सएप वाले बच्चे थे, हाय हाय ओ लाखों में स्टार्स के ताल, है ना। वहाँ के टीचर भी बच्चों को, जो जिनको जानते हैं, तो कभी कभी टीचर की बच्चों से फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो टीचर बच्चे भी हक कर रहे हैं, है ना। मैंने कहा कि अरे बाप रे, यहाँ तो मेरा तो सर, मैं तो सोचा था यार मैं तो कहीं सीखा नहीं हूँ और नॉर्मल सीधा सारा दिखने वाला बच्चा, ये देखो इतने फैशनेबल, किसी की फॉर्च्यूनर से बच्चे उतर रहे हैं, किसी की क्या। तो एक ये भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे दबाव होता है कि यार तुम कहाँ इनके बीच में, इन सबके बीच में कहाँ स्टैंड कर पाओगे। लेकिन आत्मविश्वास ही सब कुछ होता है। आप चाहे जहाँ भी रह रहे हो, जैसे भी रह रहे हो, आपका जो नॉलेज है, आपकी मेहनत, वो आपको सबसे ऊपर लेके जाएगी। तो और ज्योति, कुछ अपनी तरफ से कुछ जो इन्फॉर्मेशन अगर मेरी तरफ से रह गई तो आप बता दीजिए, क्योंकि इस मीटिंग को हम लोगों को फिनिश करना होगा। और तो कुछ नहीं बचा, यही है कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, एक नेटिव फ्रेंड जरूर बनाइए। बहुत मतलब इसके फायदे तो अनगिनत है कि कोई बता ही नहीं सकता, इसका एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि एक नेटिव फ्रेंड, नेटिव स्पीकर अगर आपका फ्रेंड है तो वो आइसिंग ऑन द केक है, बट वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल और जितनी जितनी प्रैक्टिस हो सके लिसनिंग की, रीडिंग की, उतनी कीजिए। राइटिंग की थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा, बट लिसनिंग एंड स्पीकिंग बहुत कीजिए। और ठीक है इतना ही बात, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा हो तो उतना बेटर होगा, क्योंकि बुक वाला पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, जो बातें करेंगे तो वो ज़्यादा याद रहेंगी। और जितने फ्रेंड्स हो सके उतने बनाइए, बातें कीजिए, पढ़िए उनके साथ, जितने हो सके मेट्रो में जाइए या नहीं भी जा रहे हैं घर पे ही कुछ सुन लिया गाने, लिरिक्स पहले उनका सॉन्ग चला रहे तो लिरिक्स देख लीजिए क्या मतलब है, फिर ज्यादा समझ आएगा सुनने में। ऐसे सब करते हैं, मतलब जो सब करते हैं वही करती हूँ मैं। और इनसे तो सामान बाकी जा और रहे हैं तो क्या ना करें? क्या ना करें, वही है कि बस और इन क्या चीजों नहीं से करना बचें, है, जैसे मान लो, करेगा जैसे मैंने बताया कि टाइम बर्बाद ना करें, चलो बहुत आप लोग। एजुकेशन ले लें। वो भी अगर किसी, अगर वहां पे कोई माहौल है कुछ अच्छा है कि नेटिव स्पीकर वहाँ आते हो तो आप जाएं घूमने, वहाँ मिले उनसे। जैसे रेड फोर्ट अगर जा रहे हैं, वहाँ आते हैं लोग फॉरनर्स, वहाँ आपको दिखाने लेके जा रहे हैं कि आपके दोस्त चलिए मिल के आएंगे किसी फॉरनर से, तो वो तो अच्छा है। बट अगर वैसे ही टाइम पास के लिए जा रहे हैं आसपास कहीं गॉसिप करने, तो फिर वो ना ही करें तो बेटर है। बिल्कुल, इतना पैसा बर्बाद किया तो अपने समय के और पैसे की कदर करें, खासकर तब जरूर अगर वो पैसा आपके मम्मी पापा ने पे किया हो। अपना पैसा या देंगे तो मेरे आपको तो खुद ही इज्जत होगी। मेरा तो खुद ही यही हाल है। मैं तो पापा मम्मी परेशान होते कि घर में जब देखो फोन चलाती रहती है, घर में ये भी ना पढ़ रही है ना कहीं जा रही है, तो फिर मैंने एडमिशन करा लिया। नहीं, मेरे भी पेरेंट्स ने भी मेरे को ये बोला था कि ये बच्चा अपना, मैं हमेशा फॉरेनर से बात किया करता था, लेकिन आज बहुत खुश हैं कि मैं आज स्पेनिश सीखने के बाद मैं टूरिज्म में भी काम कर रहा हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, एक एनजीओ भी चला रहा हूँ, ना सिर्फ खुद पढ़ रहा हूँ, काफी 30-40 बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और न जाने देश और दुनिया में कितने लोग यूट्यूब चैनल की वजह से स्पेनिश सीखना शुरू कर रहे हैं, और जिनको इधर उधर भटक रहे थे उनको भी सही जानकारी मिल रही है, बहुत दुआएं मिलती हैं, ना सिर्फ देश से, देश के बाहर से लोग सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो अपने सपनों को बिल्कुल मरते हुए नहीं देख सकते, जिंदगी में कुछ अपना अलग करना चाहते हैं, स्पेशली फीमेल जो ऑडियंस है मेरी, हर क्लास में न जाने कितनी लड़कियां अपना ज्वाइन करती हैं स्पेनिश, और वो भी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं, तो बिल्कुल स्पेनिश सीख रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत लोगों की उम्मीद हूँ कि भाई मेरी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेली एग्जामिनेशन कैसे पास करना, ये सब चीज़ें, और ये तो है। आप जैसे लोग हैं जो मेरे इस जो जर्नी है इसमें सपोर्ट करते हैं, कि मुझे भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर भी जैसे मान लो कि मैं अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाता, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाती, तो स्पेशली डायरेक्टली वहीं के स्टूडेंट से बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी हम दोनों से भी अगर आपको, मैं यही कहूँगा कि दोनों की तरफ से आप सही जानकारी के लिए इंस्टीट्यूट सर्वांतेस जाएं, उनकी वेबसाइट को चेक करें, उनकी उनको कॉल करें, क्योंकि हो सकता है हम दोनों से अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई मिस इन्फॉर्मेशन अगर चली जाए, तो ज्वाइन करने से बेहतर सही जानकारी के लिए उनके वेबसाइट पे जाओ, उनका फोन नंबर है, उनको ईमेल कर सकते हैं, वो ईमेल का रिप्लाई देंगे, कॉल पे भी आप अगर कॉल करेंगे तो कॉल का भी रिप्लाई देंगे, ठीक है। वो कॉल आप रिप्लाई उनको, देते हैं। बेहतर है आप इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वांतेस चले जाएं, ताकि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी मिले। इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप वहां पे जाएं, और वहां पे जब बच्चों की छुट्टी होती है, कितने बजे छुट्टी होती है?
वो आप अलग अलग टाइम है, मतलब 2.5 घंटे की क्लास होगी ना, बाकी आप फिर छुट्टी है वो भी आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, और नहीं 5 बजे तक वो, 4:30 और 5 बजे तक वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है ना, फाइव तो बजे हाँ उससे पहले अगर आप जाते हैं वहां के, अगर कोई बच्चे बाहर निकलते हैं कि आपको लगता है कि वो वहां के स्टूडेंट हैं, तो आप उनसे पूछिए, उनका एक्सपीरियंस पता करिए कि वो किस तरह से कर रहे हैं। बाकी मेरी क्लासेस में मेरे स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है, वो सारे बच्चे का मैं इंटरव्यू और सब चीजें जो डेली एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जो नौकरी पा रहे हैं, उनका मैं धीरे धीरे शेयर करता ही जा रहा हूँ, तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि भाई मैं भी जानकारी देखती हूँ बिल्कुल वो तो मोटिवेशन के लिए सब कुछ अच्छा ही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके हाँ काम की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो तो वो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुचास ग्रासियस ज्योति, नोस बेमोस प्रोंतो, आपको शुभकामनाएं आपके डेली एग्जाम के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल स्पेनिश सीखें अपना, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल बनेंगे अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और उन तमाम दोस्तों के लिए जो आपकी मदद कर रहे हैं स्पेनिश सीखने के लिए, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना रह रहे हो। ठीक है, तो मुचास ग्रासियस अ तोदोस, तोदो, बाय एक बाय। एक बात और सर, हाँ हाँ बोलिए 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 जी मैं कह रही थी कि जैसे आपका कोर्स मैंने तब किया था जी लॉकडाउन जी टाइम में, जी मैं जी उससे इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी, उसके बाद मैंने जब छोड़ भी दिया था फिर भी हाँ मैंने लेवल टेस्ट दिया तो मैं B1.2 में आ गई। बच्चे से हैरान होते हैं कि इतना कैसे हो सकता है, फिर मैं सोचती यार वाकई कुछ तो बात थी सर के कोर्स में कि इतने में भी मैं यहाँ तक आ गई। बहुत अच्छा था आपका कोर्स तभी भी, मतलब आपका मतलब उस वक्त डायरेक्टली मैंने किया आपने, डायरेक्टली था आपने करीब एक या लाख मैं, रुपए बचा लिया हाँ मेरे भाई, बस मेरे भाई को यही पता है ज्यादा, बाकी पापा मम्मी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको तो है हाँ कि करें और पैसा, बाकी भाई बताता है उन सबको, बाकी लोगों को बताता है मेरी बहन ने 1 लाख रुपए बचा लिए उसने लेवल टेस्ट बिल्कुल, क्योंकि ज्योति की एक वीडियो है मेरे, मैं इसी इसमें आपको लिंक दे दूंगा, इनसे मैंने जब इन्होंने मेरा बिगिनर कोर्स ज्वाइन किया, तो वो भी बिगिनर A1 भी नहीं, सिर्फ बिगिनर कोर्स ज्वाइन के किया था, बिगिनर्स की उस किया बिगिनर था। कोर्स ज्वाइन किया, तो उन्होंने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिया था, और स्पेनिश में इनका प्रेजेंटेशन था, और तब तो मेरी फीस भी बहुत कम थी, बहुत टाइम कोविड जब तब सिक्स क्लासेस शुरू थाउजेंड हुई, में मैंने किया था, हाँ सिक्स बिल्कुल थाउजेंड स्टार्ट हुई थी तब छः तो हजार दे के इन्होंने 1 लाख रुपए बचाए क्या या बात बी है। ए टू तक तो बिल्कुल आप वहां से कीजिए, B1 तक भी, B1 में भी थोड़ा सा ज्यादा बोलने का उचित आपके कोर्स में वैसे होता है, बट अगर तब फिर तो भी मैंने अगर नहीं हो B1 पे पाता छू ही बच्चे से नहीं तो किया था बी वन जब का, तक, बट हाँ तब नहीं किया था, बट A1 A2 तो आपके हाँ कोर्स से करे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ हाँ ज्यादा पैसे लग जाएंगे और वहां पे कोर्स में उतने महीने में आप टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपके जी ऐप में थोड़ा जल्दी हो जाता है और अच्छा भी होता है, मतलब हाँ जितनी जब इंफॉर्मेशन वहां देते हैं वो यहाँ पे इतने नहीं देते इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल, जब आपने शुरू मैं तो में कहूंगी A1 A2 आपके यहाँ से कर ले ज्यादा बेटर है, और B1 में भी आपके यहाँ कर ले तो अच्छा है, नहीं नहीं कर सकते या मन नहीं है तो इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वांतस में B1 और B2 करें ज्यादा बेटर होगा, शुरुआत बिल्कुल का बिल्कुल कहीं और से ही करें बच्चे तो अच्छा है, पैसा वेस्ट बिल्कुल करने से अच्छा है कि हाँ पहले ही कर लें। बिल्कुल, कहीं से भी सीखें, बस सीखें और खूब पैसा कमाएं, नाम कमाएं, और ईमानदारी से काम करें, दूसरों की मदद करें, पर्यावरण की भी सुरक्षा करें, पेड़ लगाएं, खूब सारी जो भी अच्छी बातें हो सब करें, समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको, हम ही लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से, और इंडिया के बारे में जो लोग बाहर से ही इतनी मूवीज वीडियो जैसे स्लम डॉग मिलेनियर ये सब चीजों को इतना बुरा बुरा फैला रखा है, उनको बताएं कि इंडिया खूबसूरत है, इंडिया बहुत ही अच्छा है, आप ट्रैवल करने आइए, एक्सप्लोर करिए, हम लोग स्पेनिश सीख रहे हैं आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए, तो बिल्कुल हम लोग देश की इकोनॉमी में भी अपनी अपना सहयोग देंगे स्पेनिश सीखकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दे नुएवो, मुचास ग्रासियस, दे नुएवो, नोस वेमोस प्रोंतो, मुचास ग्रासियस Gracias. फॉर दोस इन्फॉर्मेशन, चाओ, बाय बाय, अडियोस। Chao.